हल्का NA 69 के उम्मीदवार चौधरी मोनस लाई ने अपनी इलेक्शन मुहिम का बकायदा आगाज UC 1 महल्ला इस्लाम नगर से किया। जलसा का इनेकाद सिटी सदर मुस्लिम लीग मोहम्मद हनीफ हैदरी ने किया। जलसा में तलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीब का आगाज हुआ। जलसा में मियाँ हारून मसूद साबक तहसील नाजम और मोहम्मद हनीफ हैदरी सिटी सदर साबका इकलौती कौंसल मुगल कलोनी मुख्तार ने अपने खिताब से जलसा में 4 चांद लगा दिए। मियाँ हारून मसूद ने अपना खिताब करते हुए कहा, गुजरात की आवाम बहुत हसास है। चौधरी मोनस लाई इनके साथ प्यार और तवज्जो से पेश आई। जरा हसास तबीयत के मालिक होते हैं, इन्हें जब आप आवाज मारेंगे ये आपके लिए लब्बैक कहेंगे, लेकिन हमारा फर्ज ये बनता है कि हम इन्हें अपने साथ लेके चलें। जब आप MNA बने तो खुदारा इन्हें जो है इनको भूलना चाहिएगा। सिटी सदर मुस्लिम लीग काफ मोहम्मद हनीफ हैदरी ने अपने खिताब में कहा कि चौधरी परवेज लाई साहब को भी UC 1 से 3000 वोटों की बत्तरी से कामयाब करवाया था। इंशाल्लाह चौधरी मोनस लाई साहब को भी कामयाब करवाएंगे। 30-35 साल तो हमें हो गए डायरेक्ट इलेक्शन लड़ते हुए, इन लोगों की खिदमत करते हुए। ये सारे आपके जो साथी हैं ये आपके साथ हैं, आपको वोट देंगे और इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो यहाँ से इस इलाके से कामयाब करेंगे। हैदरी साहब हमारा एक एसेट हैं। तो साहब 3-4 दफा इन्हें भरावान ने मुहब्बत की थी, सानू कौंसलर की सीट पर कामयाब कराया। आज जो कुछ भी मैं हूँ बाद फिर तहसील मैंबर बनाया। साड़ी तहसील दे 3 सीटा सन, तो अल्लाह ताला की जात पाक का शुक्र है कि 3 सीटा तो जेडे 2 साढ़े नीचे वाले मैंबर सन उन्हों तो मैं ज्यादा वोट कले ले कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला दी जात पाक दे हुक्म दे नाल जित तुहाडी है। मैं तुहानू अपनी यूसी तरफों भी ते अपनी तरफों भी मुबारकबाद पेश करना वा। सब तो पहला अल्लाह ताला दी जात पाक इंशाल्लाह ताला तुहानू कामयाब करेगी, जिस तरह के चौधरी परवेज साहब नू कामयाब किया, जिस तरह के दूसरे साडे चौधरी हुसैन साहब होए और दीगर साडे पार्टी के बंदे कामयाब। असी इस इलेक्शन दे विच अलहमदुल्ला 3000 तो ज्यादा वोट तो चौधरी परवेज साहब नू कामयाब करवाया। चौधरी मोनस लाई साहब ने अपने खिताब में कहा कि मैं आज अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज UC 1 से कर रहा हूं। मैं हनीफ हैदरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत कम वक्त में जलसा का इनेकाद किया। मैं आज गुजरात की आवाम से वादा करता हूं कि मैं कामयाब होकर गुजरात की आवाम को सबसे पहला तोहफा सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाने का दूंगा और दूसरा पुलिस गर्दी के सिस्टम को बेहतर बनाऊंगा। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला जो रिजल्ट आएगा वो भी UC 1 का सब तो बेहतर आएगा। नाल मैं हनीफ हैदरी साहब का बहुत मशहूर हाँ कि इन्होंने पहल की, इन्होंने जो सूँ कहा कि जी पहले मेरे को आओ, बड़ा जबरदस्त कट्ठ अरेंज कर लिया, इन्होंने भी बहुत मशहूर हाँ, शुक्रिया। गुजरात शहर में UC 1 में बिलखसूस 10 साल नून लीग ने हुकूमत की है, बल्कि इन्होंने चाहिए सी कि साफ पानी का इस तरह का इतने निज़ाम लैके आते कि पता चलता कि गुजरात नून लीग की हुकूमत है तो गुजरात के लोग ही इतने कुछ हुकूमत कर रहे हैं तो गुजरात के लोगों का फायदा हो रहा है। लेकिन इन्हों का सारा ध्यान लाहौर शहर के वल सी, जेड़े फंड तुहाडे साफ पानी वास्ते मुख्त सन वह भी है लाहौर शहर लै गए, होर भी जेड़े फंड तुहाडे गुजरात शहर वास्ते सन वह भी सारे के सारे इन्होंने मैट्रो बस तो ऑरेंज लाइन पर जाके ला के जाया करते हैं। मैं तुहाडे नाल 2 वादे अज करन आया। पहला वादा मेरा तुहाडे नाल है कि इंशाल्लाह ताला तुसी मैनू इत्थों कामयाब करके भेजोगे। तुहाडा गुजरात शहर का जिहड़ा निकासी का निज़ाम है, जिहड़ा सीवरेज का सिस्टम है, यह मेरी जिम्मेदारी है। इस तरह का सोहना सिस्टम पूरे पाकिस्तान नहीं लभेगा किसी नूं, ताकि जदों भी बारिशां हुंदियां ने इत्थे सारा सारा शहर जिहड़ा है यह दरिया बन जाता है। यह मैं तुहानू वादा करना इतों कामयाब होकर इंशाल्लाह ताला ऐसा जबरदस्त इतने सीवरेज का निज़ाम लैके आवेंगे कि बिल्कुल पानी नहीं खड़ा होएगा किसी जगह भी। दूसरा मैं तुहाडे नाल वादा करना कि तुसी मैनू इतों इंशाल्लाह कामयाब करके भेजोगे, तो जिहड़ा पुलिस का निज़ाम है वह मिसाली तौर पर UC 1 तो गुजरात शहर का मशहूर होएगा। असी इस तरह का सिस्टम लैके आवेंगे कि कोई बंदा जोरेलाई पैलेस का या कोठी का ना लैके किसी नाल भी ज्यादती नहीं कर सकेगा। तुहाडे जेड़े चौकियां ने जेड़े थाने ने
ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਲੱਭੇਗਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ SHO ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਮਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਕ ਯੂਰੋ ਟੀਵੀ, ਨਾਹਿਦ ਫਾਤਿਮਾ।